अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज बनाने जा रही हूँ फ़िश का सालन यानी कि फ़िश करी, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो पहले हमने यानी कि फ़िश ले ली है, इसको अभी हमने यानी कि वॉश नहीं करा है, जैसे ये बाज़ार से आती है वैसे ही है। अब हम इसको एक चम्मच भर कर लहसुन का पेस्ट और एक चम्मच भर कर इसको अदरक का पेस्ट और इसको हम थोड़ी सी अजवाइन लगाकर मैरिनेट करके रख देंगे। ये डालेंगे, थोड़ा सा सिरका, इसको हम इसी तरह हाथ से मैरिनेट करेंगे। अच्छी तरह इसको मैरिनेट करके कम से कम एक घंटा या आधे घंटे के लिए लाजमी इसको रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसके तड़के के लिए हमने ली है एक तेज़पान, एक बड़ी इलायची, दो लौंग, और ये है थोड़े से कड़ी पत्ते, और ये है बड़ी लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच राई, और एक चम्मच मेथी दाना, और एक चम्मच ज़ीरा। ये देखिए नाज़रीन, हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, अब हम इसमें ये तमाम चीज़ें डालेंगे। ये देखिए, अब हमने इसमें बड़ी इलायची वगैरह डाल दी है, अब हम इसमें ये मिर्ची डालेंगे, ये राई, जो हमने तमाम मसाले हैं, ये तमाम चीज़ें सिर्फ 15-30 सेकंड के लिए इसको भूनेंगे। ये दो तीन थोड़ी सी देर के बाद जैसे ही हल्का सा हो उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, ये दो मीडियम प्याज हमने लिए, इसको बारीक कटिंग कर लिए। अब हम इसको हल्का लाइट सा गोल्डन सा ब्राउन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज को सिर्फ लाइट ब्राउन ही करना है। ये इतनी ही लाइट, ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी लाइट गोल्डन हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं करनी है। और उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, ये दो मीडियम साइज के हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को हिलाने के बाद फ्रेंड्स, टमाटर को हिलाने के बाद अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये देखें, ये एक चम्मच लहसुन और एक चम्मच अदरक, इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। फ्रेंड्स, हमारा मसाला भुन रहा है, उसमें हमने अभी मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्याज टमाटर वगैरह भुन रहे हैं। उसके अंदर हम डालेंगे एक चम्मच छोटा हल्दी, एक चम्मच क्रश चिली ड्राई, एक चम्मच नमक, एक चम्मच रेड पेपर सिर्फ ये रंग के लिए होता है, और क्या कहते हैं, डेढ़ चम्मच हमने ये पिसा हुआ धनिया लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला भून रहा है, लेकिन अभी हमने इसके अंदर मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये अभी टमाटर और प्याज ही ब्राउन हो रहे हैं। अब हम इसके अंदर ये मसाले ऐड करेंगे, जो मैंने कहा मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ। एक चम्मच है ये पिसी हल्दी, एक चम्मच है ये क्रश दरबड़ा मिर्च, एक चम्मच नमक, एक चम्मच पिसी लाल मिर्च, ये रेड जो होती है ना, जैसे कहते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, और एक ये डेढ़ चम्मच है पिसा हुआ धनिया, और ये एक चम्मच भरकर है रेड लाल पिसी मिर्च, ये आधा छोटा सा चम्मच है ये वाइट पेपर,
और ये आधा छोटा चम्मच चाहिए ब्लैक पेपर, और ये है एक चम्मच भर के चाट मसाले का। अब ये तमाम मसाले हम अपने इस जो प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, जो टमाटर का जो तमाम मसाला भुन रहा है, अब ये तमाम मसाला जात हम उसके अंदर शामिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपना मसाला डाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें तमाम मसाला जात कर दिए। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। जैसे ही ये ड्राई होने पर आएगा, खुश्क होने पर आएगा, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको दोबारा भूनेंगे, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतनी ही अच्छी आपकी जायकेदार फिश करी तैयार होगी। ठीक है, अब थोड़ी सी देर में मिलते हैं, हम मसाले को थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूनते हैं और फिर आपके साथ मिलते हैं। ठीक है, ओके। फिर अब हम इसके अंदर मसाला भूनते में लाइए, तो स्टार्ट हुई है। अब हम इसके अंदर भर के दो बड़े चम्मच दही के डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा मसाला अच्छी तरह भूनकर तैयार हो चुका था, उसके बाद हमने ये फिश को जो मैरिनेट करके रखा हुआ था लहसुन और अदरक से, अजवाइन से और थोड़ा सा सिरके से, तो हमने उसको अच्छी तरह वॉश करके, तो अब हमने इसको मसाले में इस तरह 1 मिनट तक बस भूनना है, और उसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है, यानी कि 1 मिनट तक ही करनी है, और उसके बाद हम इसमें 1 से 1.5 गिलास तक के करीब पानी ऐड करके इसको हल्का सा, जैसे उबाल आए, जैसे ये बॉइलिंग शुरू हो, और उसके बाद इसको हम दम पे लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फिश बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है, और ये अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं। अब बिल्कुल है, अब हम आप इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारा फ़िश करी रेसिपी जो हमने इसके लिए बनाई है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसको डिश आउट करके आपके सामने दिखाते हैं। ये देखें, और आप यकीन जाने झूठ नहीं, माशाल्लाह बेहतरीन और बहुत गज़ब की खुशबू आ रही है। और आप इसी तरह मेरी रेसिपी को आप पसंद करिएगा, और तरीके की मज़ेदार रेसिपी के लिए आप मेरे पेज को फॉलो करें, मुझे लाइक करें, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ मस्ट करें प्लीज़। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन लाती रहूँगी, और आप इसी तरह मुझे लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़।